जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की धरना 49 दिन से जारी है और आज इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। इनको राष्ट्रीय युद्ध कांग्रेस के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है और कहा गया है कि सीएम तक इनकी मांगे पहुँचाई जाएगी और इनको नियुक्ति दिलवाया जाएगा। आज प्रेस वार्ता रखा गया है, आइए सुनते हैं। निश्चित तौर पर रोजगार इनको मिलना चाहिए। भारतीय युवा कांग्रेस सदैव नौजवानों के हित में खड़ा रहा है। हम लोग यहाँ आज समर्थन करने आए हैं। हम लोग इनकी मांग का जो 3088 पद जो नियुक्ति हुई है, जो रुका हुआ प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को हम लोग भी चाहते हैं कि इन लोगों की नियुक्ति की जाए। हम लोग भी सरकार किसी की भी हो, हम लोग जो राज्य के नौजवान हैं, राज्य के नौजवान के हित में युवा कांग्रेस सदैव तत्परता के साथ खड़ी रही है, मौजूद रही है। वर्तमान में इन लोगों को देखा जा रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि इनका सर फटाई का भर्ती का और 26 माह की सरकार आपकी हो चुकी है, लेकिन इन दौरान किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो प्रक्रिया है नियुक्ति की, ये प्रक्रिया जहां मुझे जानकारी मिली कि ये कोर्ट में भी लंबित है और ख़ास तौर पर ये कार्मिक विभाग में अभी लंबित है, तो हम लोग भी चाहते, मैंने पहले भी बोला और आज हम लोग यहाँ समर्थन करने यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हमारे साथ भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रियाजुल अंसारी जी भी है, झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष भाई कुलदीप जी है, महासचिव उज्जवल तिवारी जी है। हम सभी लोग इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जा करके राज्य सरकार से फिर से हम लोग बात करके विचार विमर्श करके हम लोग यह मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों की जो नियुक्ति रुकी हुई है, ये नियुक्ति को ये लोग बहाल करें। चूँकि राज्य में जो रोजगार का मुद्दा, हमारी जो सरकार आई है, हम लोगों ने भी यह सरकार में ये दिया था कि हम लोग राज्य में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देंगे, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे इनके समर्थन में आए हैं। वर्तमान में राज्य में देखा जा रहा है कि जो भी वैकेंसी निकलते हैं वो लगातार लंबित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी चल रही है, तो इस पर क्यों ऐसा हो रहा है? इससे सरकार जो है लगातार हर मामले में जो पिछड़ रही है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, आप अगर ये बता रहे हैं तो कौन सा वैकेंसी लंबित पड़े हैं ये तो जानकारी मुझे अभी नहीं है। निश्चित तौर पे आप बैठे हैं वो 2017 का वैकेंसी, आप सोच सकते हैं कि एक स्टूडेंट इतना मेहनत करता है पढ़ाई लिखाई में और 5 साल बाद भी उसकी नियुक्ति नहीं हो पाती है, तो आप कैसे इसको देखेंगे? वो 17, 18, 19 भाजपा की सरकार थी, राज्य के सरकार की, यहाँ के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उनके समय की ये नियुक्ति है। अगर उनकी नीयत अच्छी होती तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 2019 में ही इनकी नियुक्ति हो जाती। देखिए, आलमगीर आलम साहब बहुत पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं हमको लगता है गुलाम जी हैं, कहीं ना कहीं लोगों की बात हुई भी है जो मेरे नॉलेज में है, और आलमगीर साहब अपने तरफ से बहुत पॉजिटिव भी होकर मुख्यमंत्री को बोले भी हैं और फाइल कहीं ना कहीं वो बढ़वाए भी हैं और इस पर वो बहुत पॉजिटिव हैं। कल भी हमारा इस पर बातचीत हुई है माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी से। तो कब तक इन इस विषय को लेकर हो जाएगा इसके बारे में? आज देखिए, हम लोग, मैंने पहले भी बोला और अभी फिर हमारे रियाज साहब ने भी बोला, हम लोग यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। हम लोग इनके दुख के समय में, इनके ज़रूरत के समय में भारतीय युवा कांग्रेस का हर एक साथी, हर एक कार्यकर्ता इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी बातों को मजबूती से मनाने का काम को करेंगे। हम सरकार हमारी है, फिर भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि भाजपा की सरकार है और भाजपा के लोग आकर के ऐसे मुद्दे पे लोगों का समर्थन करते हैं। आपने देखा कभी? पिछले 5 सालों में भाजपा का सरकार था यहाँ पे, लेकिन वो कभी नहीं आए। यहाँ आप देखिए, दो दो राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस के, प्रदेश के यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, जब जानकारी मिला कि गुलाम जी को चोटें आई है, वो जाके हॉस्पिटल में इनसे मिलने का कार्य को किए। हम लोग कल इनसे मिलने से पहले माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने विचार विमर्श किया इस मुद्दे पर कि इस मुद्दे पे जल्द से जल्द निर्णय लेकर के ये जो 3088 नौजवानों का जो रोजगार का बात है, इन लोगों को जल्द से जल्द रोजगार मुहैया करानी चाहिए राज्य सरकार को। लेकिन बिल्कुल हमें खुशी हुई सर कि हमारे इस मूवमेंट में, हमारे इस लड़ाई में हमारे झारखंड के यूथ कांग्रेस भी और साथ ही साथ राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिला है कि इस लड़ाई में अब हम अकेले नहीं महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ राष्ट्र के, इस राज्य के सरकार के वो अधिकारी सामने आए हैं जो इस सरकार को चला रहे हैं। तो बिल्कुल अब कहीं ना कहीं हमें, हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं कि हमारी नियुक्ति अब जल्दी होगी, क्योंकि अब
जब हमारी लड़ाई खुद की थी, हम इस लड़ाई को खुद से लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिसिया शासन के द्वारा हो या तो फिर कोई भी दमनात्मक कार्रवाई हो, हमारे मनोबल को तोड़ा जाता था। लेकिन अब हमारे जो बड़े भाई हमारे साथ आए हैं, तो हम अपनी इस लड़ाई को बहुत बहादुरी से लड़ेंगे। और हम लड़ेंगे नहीं सर, बिल्कुल हमारे जो बड़े भाई हैं, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि लड़ाई नहीं है हमारी, बल्कि आप हमारे बड़े भाई हैं तो हमारी नियुक्ति करवा दीजिए। हम यहाँ से हम भी जाना चाहते हैं। आखिर कब तक धरना करेंगे? 49 दिन तक धरने में हैं सर, और लगातार पिछले 2017 से ही धरना चल रहा है हमारा। पूर्ववर्ती सरकार से हम लोग लड़ लड़ के थक चुके थे, तो फिर नई सरकार को हम लोग लाएँ, और इस नई सरकार को लाने के बाद भी हमें लड़ना पड़ रहा है। तो दुख है हमें इस बात का कि हम लोगों ने जिस सरकार को जिस परिकल्पना के साथ चुना था, वो हमें उद्देश्य नहीं दिख रहा है सरकार का। और आज जब यहाँ के प्रदेश के युवा कांग्रेस की टीम पहुँची हुई है और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की जब टीम पहुँची हुई है, तो हमें अब पूरा उम्मीद जग गया है कि हमारी नियुक्ति को करवाने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएंगे और हमारी नियुक्ति करवाएंगे। आप अपना परिचय बताएं। मैं बेरोजगार अभ्यर्थी गुलाम हुसैन बोकारो से। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा इन्हें समर्थन दिया गया, और इनका कहना है कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि इनकी मांग को राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।